हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म। मैथ्स प्लेटफॉर्म आज आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन को लाया हुआ है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। देखिए, यदि आप लोग को कैलकुलेशन से रिलेटेड यदि किन्हीं को परेशानी होगी तो हमारा मैथ प्लेटफॉर्म में वीडियो पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी जो हम बताने वाले हैं वो एनटीपीसी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यदि आप बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्या होगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस टाइप से मिलेगा, मतलब क्या, आपको वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको कैसे बनाना है, क्योंकि जो चीज आप पहले से चीज को देखे हुए रहिएगा उस चीज पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उस पर बनाइएगा। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप रसगुल्ला देखे हैं, आप रसगुल्ला खाए हैं, तो जैसे कोई देगा तो आप क्या कीजिएगा, उस पर सोचिएगा, टपाक से मार लीजिएगा। और उसी के जैसा ही कोई और कुछ और चीज दे देगा तो पहले सोचिए कि ये क्या चीज है, खाएं या नहीं खाएं। लेकिन आप जैसे रसगुल्ला मिलेगा सीधे पकड़ के मार दीजिएगा, मुंह पे खा जाइएगा पट से। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। सेम टाइप से आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका जाना पहचाना क्वेश्चन रहेगा, तो डायरेक्ट वहां पे जाके क्या कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन को लाए हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि रवि सोहन से 20% अधिक कुशल है। रवि किसी काम को 16 दिन में करता है तो सोहन अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है, दो लड़का का बात हो रहा है, एक बात हो रहा है रवि का बात हो रहा है और एक दूसरा बात हो रहा है किसका, सोहन का बात हो रहा है। क्या बोल रहा है, सोहन से 20% अधिक कुशल है। सोहन से 20% अधिक कुशल है मतलब बोलने का यह है कि ये यदि 100 होती कितना है आपका, 120 है। चलिए यहाँ से इसको क्या करते हैं, रेशियो में चेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इफिशियंसी को जब चेंज करते हैं तो हमारा किसमें, टाइम टाइम में चेंज हो जाता है। ठीक है, इफिशियंसी को चेंज करने पर हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टाइम में। मतलब ये आपका 5 हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि रवि किसी काम को 16 दिन में करता है, मतलब क्या, रवि का जो टाइम जो हमारा दिया हुआ है 16 डेज हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फिर देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कि 5 का वैल्यू जो है ये आपका रवि का काम है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 16/5 × 6। इसको तोड़िएगा, पूर्णांक में तोड़िएगा तो 19/1/5 दिन में जो आएगा वही आपका कौन सा काम करेगा, ये आपका सोहन काम करेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो आपका है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप 7 मार्च का जो एग्जाम जो हुआ था उस पे जाके आप किन्हीं दोस्त का हो यदि हुआ होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या कि इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। होप टू होप वही क्वेश्चन है, और जितने भी मैथ प्लेटफॉर्म में भी एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी डाल रहे हैं सब आपका पूछा हुआ 2020-21 में पूछा हुआ है। जो आपका 28 दिसंबर से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था उस दिन से अभी तक में जितना भी आपका एग्जाम हुआ है सारा अब पूछे हुए क्वेश्चन को भी हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि पैटर्न वही आ रहा है, पैटर्न हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या होता है, डिजिट चेंज होता है, तो डिजिट चेंज करने पर आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि जो पैटर्न आपका सेम रहेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 750 रुपया में, 750 रुपया में बेचा जाता है, 750 रुपया में बेचा जाता है, 750 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो उसे 25% का लाभ होता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। ठीक है, बोल रहा है अगर वस्तु को 660 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, अगर वस्तु को 660 रुपया में बेचा जाता है, अगर वस्तु को 660 रुपया में बेचा जाता है
तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल सा भी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप इसको हम अभी पूरा तोड़ मचोड़ के बता रहे हैं और शॉर्टकट भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर ढढ़र जैसा बनाइएगा पूरा लंबा चौड़ा, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25% का लाभ। तो 25% का लाभ का मतलब क्या जानते हैं? ये 25% को तोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब क्या, पहले आपका सीपी 4 रुपया था तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 5 रुपया, क्योंकि हमको लाभ हो रहा है। पहले 4 था तो 1 का इंक्रीज किया, 4 में 1 का इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है कि 750 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, तो 750 रुपया में बेचा जाता है, लेकिन उसमें क्या था, उससे पहले 750 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी बेचना मतलब क्या होता है, एसपी होता है। तो देखिए, ये जो हमारा जो है 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। जब 5 का वैल्यू 750 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू निकालें कितना होगा, 750/5, तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 150 रुपया। 150 रुपया में बेचा जाए, इसका मतलब क्या, खरीदा था कितना में, इसको क्या कीजिएगा, 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 15 × 6 = 60, मतलब क्या, 600 रुपया में वस्तु को खरीदा था और 750 रुपया में बेचा था, तब जाके उसको क्या हुआ था, 25% का लाभ हुआ था। अब क्या बोल रहा है कि अगर वस्तु को 660 रुपया में बेचेगा, 660 रुपया में बेचेगा मतलब क्या, ये आपका क्रय मूल्य हो गया 600 रुपया। अब बोल रहा है इसी वस्तु को आप 660 रुपया में बेचना चाह रहा है, तो यहाँ से देखिए तो प्रॉफिट इसका कितना का होगा, 660 रुपया में बेचना चाह रहा है और पहले खरीदा था 600 रुपया में, मतलब होगा कितना, 60 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला जो होता है, प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटा क्या होता है, सीपी होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे ले लीजिए 60 ले लीजिए इंटू 100, और खरीदा था कितना में, वो 600 रुपया में, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 600 रुपया कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है, 1 0 1 0 खत्म हो गया, फिर 6 से 6 कीजिएगा तो यहाँ पे 10 बार में चला जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, 10% का आपका लाभ होगा, और ये रहा आपका आंसर था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए हम लाए हुए हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा वीडियो पर बने रहना है। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं, और यदि आप ज्यादा चाहते हैं अपने दोस्तों के पास पहुंचाना तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या, कौन सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1600 रुपया क्रय मूल्य को, 1600 रुपया, 1600 रुपया क्रय मूल्य, 1600 रुपया क्रय मूल्य को राम जो है क्या बोल रहा है, श्याम को 5% लाभ पर बेचता है। श्याम को जो है 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये 5% लाभ पर बेचता है। फिर इसमें क्या बोल रहा है, लाभ पर बेचता है, फिर क्या बोल रहा है, श्याम 20% लाभ पर, श्याम जो है 20% लाभ पर, श्याम जो है क्या करता है, 20% लाभ पर किशन को बेच देता है। किसको बेच देता है, किशन को बेच देता है, किशन को बेच देता है, बेच देता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है उसमें कि किशन का क्रय मूल्य कितना था, क्या पूछ रहा है, किशन का क्रय मूल्य कितना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, किशन का क्रय मूल्य जो है कितना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा था, 1600 रुपया का क्रय मूल्य को राम जो है श्याम को बेच देता है 5% लाभ पर। अब श्याम क्या करता है, 20% लाभ पर किशन को बेच देता है, तो पूछ रहा है कि किशन का क्रय मूल्य कितना है। तो इसका सीधा सीधी फंडा है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे लिखिएगा 1600, ठीक है, पहला कितना परसेंट लाभ पर बेचा है, 5% लाभ, लाभ होगा जब भी तो 100 में प्लस करके लिखिएगा तो 105/100 हो जाएगा, इंटू दूसरा किसको बेचा है, 20% लाभ पर श्याम को बेचा हुआ, तो क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 00 कट गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 5 10, 2 6 12, फिर यहाँ पे कीजिएगा 5 2 10 कर दीजिएगा, फिर 5 1 5 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के साथ ही जो आपका आंसर आएगा वही आपका, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 16 6 = 64,
छियानवे हो जाएगा इंटू 21 हो जाएगा। तो 16 6 96 और 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर, किशन का जो क्रय मूल्य था वो आपका 20 16 था। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जितने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, किसी और को नहीं करना है, इसलिए हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।